अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू IFT। आज नए साल में बना रहे हैं शादियों वाला गाजर का हलवा, वो भी हलवाई स्टाइल में। जब ये हलवा हम शादियों में खाते हैं तो सोचते हैं हमारा हलवा ऐसा क्यों नहीं बनता, तो वो सीक्रेट मैं इस वीडियो में बताऊंगी, बस आप मुझे फॉलो कीजिए। तो चलिए टाइम वेस्ट करे बिना इसको बनाना शुरू करते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें यहाँ सबसे पहले गाजर लेना है। गाजर हमारी ना तो पतली हो और ना ही ज्यादा मोटी हो, दरमियानी गाजर लेना है, जैसे कि ये है। मैंने यहाँ 3 किलो गाजर ली है, इसे अच्छे से वॉश कर लिया है और उसकी ऊपरी परत को पीलर से थोड़ा सा पील कर लिया है और इसे कद्दूकस के मोटे साइड से ग्रेट कर लिया है। इसे मोटे साइड से ही ग्रेट करें ताकि इसका रेशा टूटे नहीं। अब हम एक कढ़ाई में ये ग्रेट करी हुई गाजर डालेंगे। फ्लेम को हमें हाई ही रखना है। देखिए हमने कढ़ाई में सारी गाजर डाल दी है। अब इसे हमें धीरे धीरे भूनते जाना है और इसका जो मॉइस्चर है, जो पानी है, वो सूखता चला जाएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट में बताएं नए साल में ये हलवा कौन कौन बनाएगा। अब देखिए मैंने इसे थोड़ी देर भून लिया है, करीब 14-15 मिनट। तो अब मैं इसमें 2 कप दूध डाल रही हूँ। लीटर में मेजर करें तो ये 1/2 लीटर दूध है। दूध हमने पहले बॉईल कर लिया था तो इसमें बहुत सारी मलाई भी आ गई है। अब इसे दूध के साथ भूनते जाएंगे। फ्लेम हमें फुल रखना है जब तक सारा मॉइस्चर खत्म नहीं हो जाता। अगर आपका गैस बहुत हाई है तो आप इसे मीडियम हाई पर बनाइए। हमें इसे तब तक भूनना है जब तक हमारी गाजर सॉफ्ट नहीं हो जाती। देखिए हमारी गाजर सॉफ्ट होने लगी है। अब हम इसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे, जिसे मैंने कूट लिया था, और 1 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। घी डालने से हलवे में बहुत अच्छा कलर आएगा और इसकी शाइनिंग बनी रहेगी। अब हम इसमें 1.5 कप शक्कर ऐड करेंगे। हमारे घर में थोड़ा कम मीठा पसंद किया जाता है, आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो इसमें 2 कप शक्कर ऐड कर लें। अब शक्कर अपना पानी छोड़ेगी तो हमें अच्छे से इसे भूनना है। इसे हमें जब तक भूनना है जब तक इसका पूरा मॉइस्चर ख़त्म नहीं हो जाता। हलवाई लोग इसी ट्रिक से अपना गाजर का हलवा बनाते हैं। अब इस स्टेज पे अगर पानी रहा तो हमारे गाजर के हलवे का टेस्ट वो नहीं आता। अब जब तक हमारा हलवा भुन रहा है तो इधर हम एक पैन में 2 टेबलस्पून देसी घी लेंगे और इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स कट करके डालेंगे। इसमें मैंने 16-17 बादाम, 15-16 काजू और 8-10 पिस्ते लिए हैं। इन्हें कट कर लिया है। अब इन्हें घी में रोस्ट करना है। अब इसमें हल्का हल्का कलर आने लगा है। अब मैं ये सारा घी और ड्राई फ्रूट्स हलवे में डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए अभी फ्लेम हमारा लो है, हलवा हमारा धीरे धीरे पक रहा है। हमें हलवे को दबाकर भी चेक कर लेना है। अगर पानी आए तो इसे थोड़ा और ड्राई करें। जब तक साइड से घी नहीं आ जाता, देखिए हमारा हलवा बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है। अब हम इसमें खोया डालेंगे। हमने 400 ग्राम खोया डाला है और 100 ग्राम खोया मैंने बचा लिया है। इसे हम गार्निश के टाइम डालेंगे। खोए को हमें अच्छे से मिक्स करना है और इसे लो फ्लेम पर भूनते जाना है। खोए से हलवे का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए हमारा हलवा तैयार है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, बिल्कुल मार्केट जैसा लग रहा है। अब थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और खोए से इसे गार्निश करेंगे। तो नए साल में घर में कुछ पार्टी वगैरह करना चाह रहे हो तो ये गाजर का हलवा जरूर ट्राई करें और सबकी बहुत सारी तारीफें पाएं। इन सर्दियों आप इसे एक बार जरूर बनाएं। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।